नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 48 वाला। आफ्टर डैश द रॉन्ग ग्लास क्लीनर ऑन द विंडो द डैश ऑन द पैन मेड इट लुक डर्टी। देखो फिर से समझते हैं क्या इसका मीनिंग है। आफ्टर डैश द रॉन्ग ग्लास क्लीनर ऑन द विंडो, आफ्टर डैश, ठीक है, डैश करने के बाद, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आफ्टर डैश, क्या डैश करने के बाद, द रॉन्ग ग्लास क्लीनर, ये गलत जो है ग्लास क्लीनर जो है उसको डैश करने के बाद, कहाँ पर, विंडो के ऊपर, जो गलत ग्लास क्लीनर है, खराब वाला जो बेकार क्वालिटी का जो ग्लास क्लीनर है उसको विंडो के ऊपर, ध्यान देना, उसको विंडो के ऊपर डैश करने के बाद, ऐसा कुछ यहाँ पर सेंस आ रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आफ्टर डैश मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, है ना, कुछ एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है कि आफ्टर डैश द रॉन्ग ग्लास क्लीनर, कि ये जो जो विंडो के ऊपर जो गलत या खराब क्वालिटी का, है ना, गलत या फिर खराब क्वालिटी का क्या एक ग्लास क्लीनर को डैश करने के बाद, कि कोई ना कोई क्या आ रहा है दोस्तों, वर्ब आ रहा है, और कैसा लग रहा है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, आफ्टर, है ना, यूजिंग या आफ्टर क्लीनिंग या आफ्टर अप्लाइंग या इस तरीके का कोई सेंस आ रहा है। चलिए कोई इशू नहीं, बस हमने थोड़ा इसको समझने की कोशिश की, है ना, आपको ये समझ में नहीं आया कि आईएनजी आएगा नहीं आएगा, कोई इशू नहीं, बट एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कोई एक्शन की बात हो रही है, कुछ एक्शन किया गया, है ना, ग्लास क्लीनर के विंडो के ऊपर ग्लास क्लीनर का कोई ना कोई एक्शन किया गया, है ना, तो वर्ब आना चाहिए, ये हमको लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, द डैश ऑन द पैन मेड इट लुक डर्टी। तो क्या हुआ कि डैश जो पैन के ऊपर था उसको मेड इट लुक डर्टी, उसके कारण जो है वो ग्लास और ज्यादा डर्टी लगने लगा, है ना। पैन का मतलब होता है किवाड़, जो खिड़की का जो पार्ट होता है, फाटक जिसको बोला जाता है, वो होता है पैन, ठीक है, विंडो का पार्ट। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा वर्ब आना चाहिए, और समझते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, आफ्टर अक्वायरिंग। अब अक्वायर करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अक्वायर करने का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है, क्या करना, हासिल या फिर कैप्चर करना। अक्वायर करने का मतलब होता है कैप्चर करना, उसको किसी से टू टेक, ले लेना उसको, ठीक है, एक तरह से अचीव करना, ये सेंस आ रहा है, अचीव करने का सेंस आ रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर देखो आफ्टर यूज, तो देखो आफ्टर यूज, अब यूज क्या है, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग जो है उसको क्या करो, यूज करो, तो इट इज ऑफ नो यूज, मतलब यूज जो है वो एक तरह से नाउन हो रहा है। यूज क्या हो रहा है दोस्तों, नाउन हो रहा है, नाउन भी हो सकता है, यहां पर वर्ब भी है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो आफ्टर यूज द रॉन्ग ग्लास क्लीनर नहीं हो रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है हमको, आईएनजी वाला फॉर्म, तो आफ्टर यूजिंग जो है वो सही होगा, यूज तो नहीं होने वाला है, तो ये रॉन्ग हो गया। वैसे ही ठीक उसी तरीके से देखो यहां पर क्या लिखा, यूटिलाइज, तो ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप लिखोगे आफ्टर यूटिलाइज द रॉन्ग ग्लास, यूटिलाइज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये भी आपका V1 है, तो यूटिलाइजिंग जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही होगा, क्या होगा, यूटिलाइजिंग, तो यूटिलाइजिंग इसका मतलब D हमारा जो है वो भी रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं फ्रेमिंग। अब देखो फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, फ्रेमिंग का मतलब होता है एक तरह से पूरा उसको फ्रेम करना, उसको पूरा आसपास से उसकी जो बाउंड्री होती है, खास करके जो फोटोग्राफ्स वगैरह है उसको हम लोग फ्रेम करवाते हैं ना, उसको पूरी, उसको पूरा एक एल्यूमिनियम की फॉयल वो लगा के उसको पूरा अच्छे से फ्रेम करवाते हैं, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है क्या, कि आफ्टर फ्रेमिंग द रॉन्ग ग्लास क्लीनर। अब मुझे बताओ कि विंडो के ऊपर आप ग्लास क्लीनर को फ्रेम करते हो क्या, ग्लास क्लीनर तो बेसिकली वो लिक्विड है, वो लिक्विड है जिससे आप ग्लास को, विंडो को साफ करते हो, तो उस क्लीनर की यहाँ पर बात हो रही है, उसको हम लोग फ्रेम करवा के तो नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको कोई फ्रेम करवा के हम लोग नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग मीनिंग वाइज, ठीक है। अब हमारे पास जो है दोस्तों ऑप्शन कितने बचे, एक तो ये अक्वायरिंग जो है कि क्या आप हासिल करते हो, आप अगर हासिल करते हो, मान लो कहीं किसी से एक गलत ग्लास क्लीनर कहीं से आपने प्राप्त किया, आपने हासिल किया, है ना, विंडो के ऊपर हासिल किया, तो उससे विंडो को क्या असर पड़ेगा,
है ना, आपका मीनिंग वाइज यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब अब हम देखते हैं ऑप्शन, हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है सी वाला, है ना। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, वैसे तो सी राइट है तो ये भी राइट होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला वर्ड हमारा राइट है या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, पूरा कंफर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, फेडिंग। अब फेड होने का मतलब क्या होता है, फेड होने का मतलब होता है धीरे धीरे वो कमजोर होना, धुंधला होना, ठीक है, वीक होना एक तरह से, धीरे धीरे वो क्या होना, धुंधला होना, ठीक है, मर्की होना। एक्चुअली ये फेड, ये मर्की, इन दोनों का ही मतलब होता है एकदम अनक्लियर होना। कैसा होना, अनक्लियर होना, एकदम धुंधला होना, धुंधला होना, ठीक है, एकदम मटमेला होना, इस तरीके का सेंस हो रहा है, धुंधला होना या फिर मटमेला होना, ये आ रहा है। अच्छा, ओपेसिटी जो वर्ड है दोस्तों, ओपेसिटी जो है ये क्या है, एक नाउन है ओपेसिटी, और ओपेसिटी एक शब्द ये किससे बना है, ओपेक से, ठीक है, ओपेक, ये आपने सुना होगा। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग ना नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते हैं। और इसका ओपेसिटी जो है इसका मीनिंग भी होता है डार्क या अनक्लियर, ठीक है, यही होता है, अनक्लियर होता है, धुंधला सा होता है, मटमेला सा होता है, एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्वालिटी जिसके थ्रू हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पूरा ओपेक, धुंधला सा, डार्क। तो ये भी उसी सेंस में आ रहा है, लगभग 1, 2, 3, 4, ये चारों जो है इनके मीनिंग जो है वो लगभग एक ही जैसे, ठीक है। और फ्रेमिंग यहाँ पर क्या, कवर, द कवर ऑन द पैन, पैन के ऊपर जो कवर है मेड इट लुक डर्टी, कि वो कवर के कारण, देखो कवर के कारण कोई पैन गंदा कैसे लगेगा, ठीक है, तो ये हमारा हट गया। और वैसे भी आंसर हमारा जो है, यहां से हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया, ओपेसिटी जो है ये बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो सी वाला दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, चलिए पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं हम लोग। द डिटर्मिनेशन एंड डैश विथ विच यूथ कैन वर्क मेक देम द मोस्ट डैश एंड कैपेबल सिटीजंस ऑफ द नेशन। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, देखा जाए तो ये बहुत सरल, ये आपके सामने ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें हिंट है, आप लोग इसको फिर से पढ़ें चलिए मेरे साथ। देखो क्या लिखा है, द डिटर्मिनेशन एंड डैश विथ विच यूथ कैन वर्क मेक देम द मोस्ट डैश एंड कैपेबल सिटीजंस ऑफ द नेशन, ये यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका मीनिंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो शुरुआत किससे हुई, द डिटर्मिनेशन, देखो एक लास्ट में क्या है, TION है, इसका मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, और इसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प, तो ये दृढ़ संकल्प इसको आप बोल सकते हो, दृढ़ इच्छा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं, दृढ़ इच्छा होना मन में, एक किसी चीज को पाने की जो है एकदम ललक होना, इच्छा शक्ति होना, उसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन। और ये जो डिटर्मिनेशन है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ठीक है ना, कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, तो जाहिर सी बात है एंड का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। एंड का जो एक रूल है दोस्तों वो क्या है कि एंड के दोनों साइड, एंड के इस तरफ और एंड के इस तरफ, एंड के दोनों तरफ जो है सेम सेंस का वर्ड आएगा, जो भी शब्द आएगा वो सेम सेंस का होगा, ठीक है ना, वो क्या होने वाला है दोस्तों, सेम सेंस का होने वाला है, ठीक है, चाहे वो देख लेते हैं, जैसे अगर यहां पर सपोज कोई नाउन है, उस कंडीशन में यहां पर भी जो है क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, वैसे ही अगर यहां पर कोई वर्ब है तो इधर भी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर यहां पर कोई एडजेक्टिव है और तो यहां भी जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो ये चीज आप एकदम क्लियर मैं आपको बता देता हूं कि एंड के बाद में जो है हमेशा सेम सेंस का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर नाउन है और क्या है, पॉजिटिव नाउन है, तो यहां भी क्या होगा दोस्तों, नाउन होने वाला है और उसका सेंस क्या होने वाला है, पॉजिटिव सेंस होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उसकी जानकारी हमने पता करी कि नाउन होगा और पॉजिटिव होगा, उसी की तरह होगा जिस तरह से हमारा डिटर्मिनेशन है, ठीक है, इतना हमने पता किया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन, तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों, कैपेबल। देखो कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लायक, ठीक, मतलब ये जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। कैपेबल क्या है, एडजेक्टिव, कौन से सेंस का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है, हमको चाहिए नाउन, इसको कैंसिल कर दो। अगला देखते हैं एनर्जी, एनर्जी शक्ति ताकत, ताकत जो है शक्ति उसकी हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं और ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंस का है और एनर्जी जो है वो क्या है दोस्तों, नाउन है, ये हो सकता है। नॉलेज ज्ञान, ये भी पॉजिटिव सेंस का है और ये भी हो सकता है। और ट्रायम, ट्रायम का मतलब होता है विक्ट्री, विजय, ठीक है, क्या मतलब है विक्ट्री, विजय। दोस्तों आप लोग बैकग्राउंड में जो है कुछ साउंड सुन पा रहे होंगे, ठीक है, माफी चाहते हैं उसके लिए क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन वो थोड़े ही समय की है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है मेरी आवाज पर आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बैकग्राउंड की आज के लिए जो है उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो देखो इसलिए मैं भी थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, आप देखो ट्रायम, ट्रायम का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय, तो ये क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है ना, ये भी क्या है, नाउन है और पॉजिटिव सेंस का है। अच्छा आगे देखते हैं इनडिफरेंस, दोस्तों इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस का मतलब डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, इनडिफरेंस का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, क्या मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इनडिफरेंस पढ़ा था और उसमें भी मैंने आपको बताया था नॉट इंटरेस्टेड या एक तरह से लेजी या कुछ एक नेगेटिव सेंस का, ये नेगेटिव सेंस इससे जो है हमको दिखता है, प्रतीत होता है इसका, आप इसको सौरो, सौरो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सौरो दुख है ना, इस सेंस में कुछ ना कुछ नकारात्मक सेंस इसमें आता है। हालांकि ये भी जो है क्या है दोस्तों, हमारा नाउन है, ठीक है ना, ये भी नाउन है बट ये नेगेटिव सेंस का नाउन है और इस कारण हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। तो देखो दोस्तों पांच जो हमारी ऑप्शंस थी उसके अंदर से दो ऑप्शंस जो है हमारी कैंसिल हो गई, सिर्फ फर्स्ट वाले जो ब्लैंक हैं उसकी नॉलेज के कारण, ठीक है। अब देखो या तो बी सी या डी, इन तीनों में से कुछ होने वाला है, एनर्जी हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, ट्रायम्प हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, इतना काफी है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ, तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो द डिटर्मिनेशन एंड डैश विथ विच यूथ जो हमारे आज के युवा जो है, यंगस्टर्स जो है, वो क्या कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं, तो उस डिटर्मिनेशन और डैश जिसके साथ की हमारे आज के युवा जो है वो काम कर सकते हैं, वो बनाता है, ध्यान देना, वो बनाता है क्या, वो बनाता है उनको द मोस्ट डैश एंड कैपेबल, वो उनको बनाता है एक सबसे ज्यादा डैश और कैपेबल। अब एक चीज आप देखो दोस्तों, यहां पर भी वापस दिया हुआ है एक ब्लैंक, उसके बाद यहां पर एंड और यहां पर लिखा है कैपेबल, और दोनों किससे मिला हुआ है, एंड से, वापस यही वाला रूल आ गया, ठीक है भाई, एंड आया उसके बाद यहां पर लिखा है कैपेबल और इसके पहले यहां पर लिखा है डैश ब्लैंक। अब देखो सेम सेंस आने वाला है, कैपेबल क्या होता है भाई, कैपेबल का मतलब होता है लायक, एबल क्या होता है, लायक, पॉजिटिव सेंस का है, क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। अब ये एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है ये जो ब्लैंक हमारा है ये भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव सेंस का होने वाला है और एडजेक्टिव होने वाला है, दो इंफॉर्मेशन हमको पता चली, चलिए अच्छी बात है। तो द मोस्ट क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव और पॉजिटिव सेंस का, ठीक है, दो इंफॉर्मेशन पता चली, ठीक है, कैपेबल सिटीजन ऑफ द नेशन, ठीक है, तो मेक देम द मोस्ट
डैश एंड कैपेबल सिटीजंस ऑफ द नेशन। अब देखते हैं मोस्ट एफिशिएंट, तो देखो एफिशिएंट जो है ये हो सकता है, एफिशिएंट का मतलब भी वही होता है क्या, देखो एफिशिएंट एंड कैपेबल तो दोनों का मतलब सेम है, एफिशिएंट और कैपेबल जो है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो जब कैपेबल लगा दिया तो वो लगाने की दो दो शब्द क्यों लगाने की जरूरत है, और वैसे भी ये हमने कैंसिल कर दिया, ये हमने वैसे भी कैंसिल कर दिया, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, वैल्यूएबल है ना, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, कीमती, और ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों, और एबल लिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो सकता है, चलिए ये हो सकता है। आगे वल्नरेबल, दोस्तों वल्नरेबल का मतलब होता है सेंसिटिव, वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, सेंसिटिव, या आप बोल सकते हो कि वीक, कमजोर है ना, बहुत ज्यादा जो है कमजोर, जो आसानी से टूट सकता हो, वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे ही इज अ वल्नरेबल पर्सन, ही इज अ वल्नरेबल पर्सन, क्या मतलब है इसका कि वो एक वल्नरेबल व्यक्ति है, मतलब बहुत कमजोर व्यक्ति है, बहुत इमोशनल व्यक्ति है, आसानी से टूट जाने वाला, कोई उसके साथ थोड़ी सी सख्ती दिखाएगा तो वो आसानी से पिघल जाएगा, है ना, अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, है ना, जैसे ही इज वल्नरेबल टू बैड वेदर, कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है और उसको जो है उसके शरीर में सर्दी जुकाम और ये सारी चीजें उसको शुरू हो जाती है, तो इसको आप वीक बोल सकते हो, कमजोर बोल सकते हो, मतलब आपका एडजेक्टिव तो है लेकिन सेंस कौन सा है, कौन सा सेंस है, नेगेटिव सेंस है, तो ये वाला आप कैंसिल कर दो, ठीक है, नेगेटिव सेंस है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हमारे पास जो है दो ऑप्शन बचे हैं, अब या तो हमारे पास जो है, हाँ दो ऑप्शन बचे हैं, इसको भी देखते हैं, देखो ये क्या लिखा है, माइटी, क्या लिखा है दोस्तों, ये माइटी, और माइटी का मतलब क्या होता है, माइटी देख लेते हैं, देखो माइटी का मतलब होता है बिग, ठीक है, माइटी का क्या मतलब होता है, बिग या ह्यूज, बिग या ह्यूज, ठीक है, बिग या बहुत ज्यादा, यूज बहुत बड़ा, इस तरह का, इस सेंस में यहां पर ये आ रहा है, तो क्या माइटी यहां पर होगा, बताओ जरा, तो क्या लिखा है, देखो द डिटर्मिनेशन एंड, माइटी के सामने यहां पर क्या है, द डिटर्मिनेशन एंड ट्रायम, ट्रायम का मतलब विक्ट्री, विजय, ट्रायम विथ विच यूथ कैन वर्क, कि वो जो डिटर्मिनेशन और वो जो ट्रायम, वो जो जीत जिससे कि यूथ जो है वो काम करता है, वो उनको बनाती है मोस्ट माइटी, माइटी मतलब विशाल, एंड कैपेबल सिटीजंस बनाती है। तो यहां पर पहली बात तो ये कि क्या यहां पर ट्रायम्फ यहां पर आ रहा है, भाई यहां पर देखो डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, एक किसी क्वालिटी की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात हो रही है, और यहां पर विक्ट्री जीत है ना, हालांकि ये पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ यहां पर सेट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके विपरीत आप इसको देखो, बी वाले को, कि द डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर, ताकत, वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प और जो ताकत जिसके साथ की आज का युद्ध जो है, युद्ध जो कार्य करता है, वो उसको बनाता है मोस्ट क्या, वो उसको बनाता है मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट कीमती उसको बनाता है, और कैपेबल और लायक एक नागरिक बनाता है किसी भी देश का, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये वाला बी वाला दोस्तों मोस्ट सूटेबल आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है, डी वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आंसर हमारा बी वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। देखो ये क्वेश्चंस ना इस अप्रोच के साथ करना है, इस अप्रोच से आप करोगे बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, ये ट्रिक आपको आजमाना है। देखो कितनी आसानी से हम आंसर को निकाल पाते हैं, कितनी आसानी से हम आंसर के बिल्कुल नियरेस्ट जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो रॉन्ग, जो पहले नहीं जो आएंगे, हमको लगता है कि जो आंसर रॉन्ग है उसको पहले पहले कट करो, अपने आप राइट आंसर के पास हम पहुंचेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप अप्रोच रखोगे, इस तरह से जब आप सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो आप बहुत जल्दी जो है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन निकालो, फिर से बता रहा हूं, दो इंफॉर्मेशन निकालो, एक ब्लैंक के बारे में, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता करो, उसका सेंस पता करो, ये पता चल गया, फिर उससे कंपेयर करो, जो भी ऑप्शंस दी हैं उससे क्या करो, कंपेयर करो, बहुत आसानी से हमारे आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 50 वाला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट,
अपॉर्चुनिटीज एंड डैश टू द यूथ आर की डैश इन अचीविंग प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. क्या इसमें बताया जा रहा है? ठीक है, देखो क्या इसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एक तो क्वालिटी एजुकेशन को देना, प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, है ना. एक तो क्या देना, क्वालिटी एजुकेशन देना. दूसरा कॉमा लगकर क्या आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, जो संभावनाएं हैं रोजगार की वो बढ़ाना. और एंड, ठीक है, एंड अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर देखो इस यहां पर क्या लिखा है, क्वालिटी एजुकेशन, ये क्या है हमारा, नाउन है. उसके बाद कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी क्या है हमारा, नाउन है. तो इसके बाद जो है एंड, यहां पर क्या होता, देखो या तो क्या होता कि अगर यहां पर इधर कहीं पर कोई नाउन होता तो ये हम लोग क्या लगा देते, एडजेक्टिव लगा देते. लेकिन क्योंकि यहां पर कोई नाउन नहीं है, सीधा टू द यूथ आ गया, इसका क्या मतलब है कि यहां पर क्या आने वाला है, इस ब्लैंक में नाउन आने वाला है. ठीक है ना, कि इक्वालिटी एजुकेशन को देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, और कोई नाउन, ठीक है, एंड डैश. और इसका सेंस क्या होगा आप लोग बताओ भाई, एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, है ना, ये सारा क्या है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है. तो यहाँ पर ये क्या आने वाला है, एक नाउन आने वाला है. और कौन से सेंस का, पॉजिटिव सेंस का. दो इंफॉर्मेशन इस ब्लैंक की पता चली, आगे चलते हैं. तो एंड डैश टू द यूथ, किसको देने के लिए, यूथ को, आज की जो यंग जनरेशन है उनको देना. आर, ध्यान देना, आर की डैश. अब देखो की का मतलब क्या होता है, मुख्य, क्या होता है, मुख्य. और ये क्या है हमारा भाई, मुख्य क्या, की क्या, तो ये एक तरह से हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है. तो ये अगर विशेषण है, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, इसके जस्ट बाद नाउन आएगा. और थोड़ा सा और आप अपना दिमाग लगाओ तो देखो, की, मुख्य, मुख्य क्या है, मुख्य देखो कितने हैं, ध्यान देना दोस्तों कितने हैं, एक एजुकेशन, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तीसरा ये हमारी ब्लैंक की जगह आने वाला है, ये यूथ के लिए, ये की क्या है, एक से ज्यादा है. मतलब जो भी नाउन यहाँ पर आ रहा है, हमको लग रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए. देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको इस नाउन के बारे में पता चली, कि ये जो नाउन है ये हमारा कैसा होने वाला है, प्लूरल नाउन वाला होने वाला है. अब सेंस कौन सा है दोस्तों, क्योंकि चूंकि ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस जो है, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं की गई, इसमें अच्छी बात की गई कि यदि हम क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाले हैं यूथ को, तो ये क्या होगा, ये मुख्य कारण होंगे, है ना. कुछ ऐसी बात की जा रही है, किसमें, इन अचीविंग प्रोग्रेस, हासिल करने में, तरक्की जो है उसको हासिल करने में, जो निर्माण है, डेवलपमेंट है देश का, उसको आगे बढ़ाने में ये मुख्य कारण होंगे, इस तरह से कोई आ रहा है. मतलब ये कौन सा सेंस दे रहा है हमको, पॉजिटिव सेंस का, प्लूरल नाउन. ठीक है, दो देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता करी. चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा. सबसे पहले नाउन पॉजिटिव वाला, देखो एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है भाई, पावर देना, एक तरह से उसको ऊर्जा प्रदान करना, ताकत प्रोवाइड करना, एनर्जी देना. ठीक है, उसको क्या बनाना, उसको पावरफुल बनाना. एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल होता है. ठीक, और क्या, कौन सा सेंस का, नाउन है, देखो मेंट दिया है, नाउन है, जाहिर सी बात है. कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस का, ये हो सकता है, हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है. ठीक है, दूसरा एम्पावर, देखो एम्पावर क्या है, एम्पावर, एम्पावर जो है दोस्तों ये एक वर्ब है, याद रखना. एम्पावर क्या है, ये एक क्रिया है, कि पावर प्रदान करना, है ना, पावर देना, इस तरीके से. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट हमको जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, नाउन चाहिए, क्योंकि एंड है, और एंड के दोनों तरफ जो है सेम सेंस के वर्ड आते हैं, सेम सेंस के नाउन है, तो नाउन आता है, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में. तो उस हिसाब से जो है एम्पावर यहाँ पर नहीं आने वाला है, कैंसिल कर दिया. देखो पावर, पावर जो है ताकत, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, है ना, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी हो सकता है. चलिए एडजेक्टिव की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं. और पावरफुल जो है, ताकतवर, एक होता है ताकत, दूसरा ताकतवर, ये भी हमारा इसको भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, और दोनों ही जो है
क्या है, पॉजिटिव है, और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए तो इसमें हमको लग रहा है कि इसको छोड़ के, बी वाले को छोड़ के और ई, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग सहारा लेते हैं किसका, नेक्स्ट वाले ब्लैंक का। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक हमारा देखो की और क्या हो रहा है दोस्तों, एक चीज डन पता चल रही है क्योंकि इतने सब चीजों की हम बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है एक मुख्य क्या है, मुख्य कारण है, मुख्य मुद्दे हैं इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है ये तो डन हो गया, एक चीज तो कंफर्म हो गई 100% कि यहां पर जो है हमारा नाउन प्लूरल होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि सबकी बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं। चलिए यहां पर क्या देखो, फैक्टर्स मुद्दे, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, मुद्दे, अलग अलग मुद्दे। तो ये आपका जो है प्लूरल नाउन है और पॉजिटिव सेंस है। चलिए ये बिल्कुल हमारा लग रहा है फर्स्ट वाला। फैक्टर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कैंसिल कर दो। रोल देखो एस नहीं है, सिंगुलर नाउन है, कैंसिल कर दो। और रोलर्स, अब रोलर्स क्या होता है दोस्तों, रोलर जो रोल करते हैं वो होता है रोलर, जिससे रोल किया जाता है ना, जैसे ग्राउंड जो होता है, खेल का मैदान होता है, उसको प्लेन करना है तो उसमें हम क्या चलाते हैं, रोलर चलाते हैं ना। तो क्या यहाँ पर आर की रोलर्स, ये रोलर्स हैं उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, ये आपका मीनिंगलेस आंसर जो है वो हमारे सामने आ गया फर्स्ट वाला दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, फर्स्ट वाला हमारा एकदम राइट 100% कंफर्म्ड राइट आंसर है। इस तरीके से जिस अप्रोच से हम कर रहे हैं, बिल्कुल एक 0% डाउट रहती है दिमाग में कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को पूरा, हर एक तरीके से उसको, वो कहते हैं ना कि हम उसको तकाजे पर उसको पूरा नापते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर आते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ये होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ, ए वाला हमारा राइट आंसर है। एक बार पढ़ते हैं देखो, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरमेंट टू द यूथ। देखो एम्पावरमेंट के साथ टू भी आ रहा है, हाँ ये एक एक्स्ट्रा नोट, एम्पावरमेंट के साथ टू यहां पर लग रहा है कि एम्पावरमेंट टू द यूथ आर की फैक्टर्स इन अचीविंग प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब ए वाला राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 51, पहले इसको समझते हैं। इफ वी यूज आवर टाइम प्रोडक्टिवली एंड डैश वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम डैश टू अस एंड सक्सीड। क्या इसमें बताया जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, इफ यदि, है ना। यहां पर देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले इसको समझाऊं उससे पहले कि सॉरी इफ यहां पर आया, इफ के बाद जो है, इफ के बाद जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि यदि यहाँ पर एक कंडीशन की बात हो रही है कि यदि हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम, अपना टाइम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कारगर तरीके से, बहुत इफेक्टिवली, एक जिसे वो कहा जाता है कारगर तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड है ना, एंड डैश। तो देखो यहाँ एल वाई लगा है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर क्या लगा है, एल वाई लगा है, और ये जो प्रोडक्टिवली जो वर्ड है ये आपका किसके लिए यूज करने के लिए, किस तरीके से यूज किया जाता है, प्रोडक्टिवली यूज किया जाता है। देखो तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, एक एडवर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है, एडवर्ब है जो किसको डिफाइन कर रहा है, यूज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है कि भाई कैसे यूज करना है हमारा समय, एकदम प्रोडक्टिवली यूज किया करना है, और उसके जस्ट बाद जो है एंड लगा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था एंड का क्या होता है रूल दोस्तों, एंड जो है अपने दोनों साइड जो है क्या देता है, सेम सेंस का वर्ड लेता है, क्या करता है, सेम सेंस का शब्द लेता है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ अगर कोई एडवर्ब है यहाँ पर भी एडवर्ब होना चाहिए, कोई नाउन है तो नाउन होगा। ठीक है, अगर आपका जो टेंस, जिस टेंस में यहाँ एंड के पहले आपका वर्ड है या सेंटेंस है, उसी टेंस में, बिल्कुल उसी टेंस में जो है एंड के बाद में भी
ये होना चाहिए, सेम टेंस में होना चाहिए। सपोज यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का कोई वर्ड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस का वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर हमारे लिए इस एंड ने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दी, क्या कि देखो इसके जस्ट पहले क्या है, आपका एडवर्ब है। और इसका सेंस कौन सा है भाई, एडवर्ब हमारा कौन सा है, प्रोडक्टिवली बहुत कारगर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस का एडवर्ब है। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमारा एडवर्ब आने वाला है और पॉजिटिव सेंस का एडवर्ब आने वाला है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन पता चली, आगे चलते हैं। वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम बना सकते हैं ज्यादातर जो समय है, वी कैन मेक हम कर सकते हैं क्या, जो हमारा अधिकतर जो समय है, देखो मोस्ट उसके बाद ऑफ, ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट उसके बाद ऑफ और यहाँ पर द टाइम लगा है। अब कभी भी द आ जाता है ना, द आ जाता है मतलब ये क्या है, हमारा टाइम नाउन है। द टाइम स्पेसिफिक टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये हमारा क्या है, नाउन है। तो वी कैन मेक मोस्ट ऑफ द टाइम, हम जो है हमारा जो मुख्य जो ज़्यादातर जो हमारा समय है उसको हम कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डैश, तो टाइम को हम डैश कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव यहाँ पर लगना है, क्या लगना है दोस्तों, एडजेक्टिव लगना है, एक ऐसा वर्ड यहां पर आना चाहिए जो उस टाइम के बारे में बता रहा है कि हम उस टाइम का ज्यादातर जो टाइम है, ज्यादातर जो हमारा जो समय है उसका हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा शब्द आएगा जो इस टाइम के बारे में बताएगा कि भाई हम हमारा जो जो अधिकतर जो समय है उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जो समय है उसके बारे में बताने के लिए कोई शब्द यहाँ पर आने वाला है, जाहिर सी बात है क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और उस टाइम को हम देखो, यदि हम अपने समय को बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है हम ज्यादातर समय बर्बाद तो नहीं करने वाले, हम ज्यादातर समय को खराब तो नहीं करने वाले हैं। मतलब यहाँ जो भी आएगा समय के बोधक बोधन करने के लिए वो शब्द आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इस टाइम को बताने वाला होगा और पॉजिटिव होगा, मतलब एडजेक्टिव होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डैश कर सकते हैं, टू अस हमारे लिए, एंड सक्सीड और हम क्या कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में है, दोनों के दोनों ब्लैंक आपके पॉजिटिव सेंस के होंगे। फर्स्ट वाला जो है आपका ly वाला लग सकता है क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब लगेगा। और दूसरा जो है टाइम को डिस्क्राइब करने वाला शब्द जो कि एडजेक्टिव लगने वाला है। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने निकाली। अब हम लोग ब्लैंक की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, डिवोटेड। डिवोटेड क्या है दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है और थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। और डिवोटेड का क्या मतलब होता है, पूरी तरीके से किसी पर समर्पित, क्या होना, समर्पित होना। तो ये समर्पित, अब यहां पर देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर नहीं आने वाला है। हालांकि कई बार डिवोटेड जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन यहां पर हमको चाहिए एडवर्ब, क्या चाहिए हमको, एडवर्ब चाहिए। तो डिवोटेड यहां पर नहीं होने वाला है। आप पढ़ के भी देखेंगे तो देखो यहां पर फिट नहीं हो रहा है कि इफ वी यूज आवर टाइम प्रोडक्टिवली एंड डिवोटेड, है ना, डिवोटिंगली ऐसा कुछ होता तो हो सकता था। तो ए वाला ऑप्शन जो है हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली का मतलब होता है, देखो क्या लिखा है, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली है ना, उसका मतलब होता है बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दुलार से, बिल्कुल मान मनुहार करके, एकदम अट्रैक्टिवली जिसको कहा जाता है। ये आपका क्या है, एडवर्ब है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का एडवर्ब है, है ना। देखो क्या लिखा है कि अगर हम हमारे समय को, ध्यान देना, हमारे समय को हम बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज करते हैं और कैसे करते हैं, अफेक्शनेटली, एकदम आकर्षण की तरह से, अट्रैक्टिवली करते हैं, बहुत ही अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार से करते हैं, किसको। अब देखो मुझे बताओ, समय को इस्तेमाल बहुत ही प्यार से करना मतलब क्या हो रहा है इसका, बहुत ही प्यार से आप अपना समय इस्तेमाल करो, मतलब कैसे, है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई, टाइम और प्यार क्या लेना देना दोनों का, इसका तो उल्टा मतलब पड़ जाता है कि बहुत प्यार से टाइम वेस्ट
टाइम को यूज करो, मतलब मत करो, टाइम को बिल्कुल बर्बाद करो, है ना, इस उल्टा जा रहा है सेंस। तो ये भी हमारा मीनिंगफुली जो है ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इफेक्टिवली ये हो सकता है कि यदि हम हमारा जो समय है एकदम मजबूती से, एकदम इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से, ठीक है, इफेक्टिवली मतलब प्रभावी तरीके से, एकदम ठोस तरीके से, एकदम प्रखर तरीके से हम हमारे समय का इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ फिट हो रहा है, इसकी पेयर बन रही है। देखो कि यदि हम जो है हमारा समय प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं तो क्या होगा, वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जो समय है हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल टू अस, कि वो टाइम जो है हमारे साथ, हमारे पर क्या होगा, अवेलेबल होगा। और अवेलेबल की अच्छी बात है कि अवेलेबल के साथ टू बिल्कुल सही है, ठीक है, अवेलेबल के साथ टू सही आ रहा है, तो उस हिसाब से भी जो है आंसर हमारे पास आ गया सी वाला। ठीक है दोस्तों, सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बट आगे भी देखते हैं, दूसरे ऑप्शन भी हम लोग खगालते हैं। अब देखो क्या लिखा है प्रैक्टिकली, कि इफ यू यूज अवर टाइम प्रोडक्टिवली एंड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली यूज करें हम हमारे टाइम को, प्रैक्टिकली यूज करने का मतलब होता है बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से यूज करें, है ना, व्यवहारिक तरीके से टाइम को कैसे यूज करें, यदि हम हमारे समय को प्रैक्टिकली यूज करें, इसका मतलब धरातल पर यूज करें, तो ये कोई सेंस नहीं हो रहा है। समय को वैसे भी हम जब यूज करेंगे तो प्रैक्टिकली ही यूज होगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्शन में होगा जो हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, है ना, चाहे वो सोने की एक्शन है, प्रैक्टिकली हम सो रहे होंगे, तो प्रैक्टिकली ही होता है। इस वर्ड का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है ना, इस वर्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो रीजनेबली, तो रीजनेबली का मतलब होता है कि हम यथोचित, यदि हम हमारे समय को जो है कैसे यूज करें, यथोचित या युक्तिपूर्ण, युक्तिपूर्ण तरीके से, इसका सरल भाषा में मैं बताऊं तो बिल्कुल किसी प्लानिंग से यूज करें, रीजनेबली किसी कारणवश यूज करें, कि इफ वी यूज अवर टाइम इफ प्रोडक्टिवली एंड रीजनेबली, मतलब किसी कारणवश यूज करें। चलिए मान लेते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, कारणवश यूज करें, मान लेते हैं कि ये हो सकता है। अब उसके बाद जो है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर ई ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर अफेक्शनेटली का मीनिंग हमको पता नहीं, ये भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा ब्लैंक है जो हमारी जो डाउट है वो 100% पूरी क्लियर कर देगा, हमको पिन पॉइंट बिल्कुल आंसर के पास लेकर जाएगा। तो हम दूसरे ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा, प्रोडक्टिवली एंड ये लग रहा है इफेक्टिवली, वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल, ये सही लग रहा है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, जैसे ये यहां पर देखते हैं ये क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिवली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्टिवली टू अस, तो देखो कंस्ट्रक्टिवली टू अस ये क्या है, एडवर्ब है, क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं चाहिए यहां पर, क्या होगा, कोई हमारा क्या होना चाहिए, टाइम को डिफाइन करने वाला वर्ड होना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है हमारा। बी वाला देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यूजफुल टू अस, ये हो सकता था, लेकिन यहां पर है ना, यहाँ पर देखो अफेक्शनेटली बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, प्यार से कैसे आप बहुत दुलार से, लार से, प्यार से अपने टाइम को यूज करोगे, ऐसा नहीं मीनिंग आ रहा है, तो इसको रॉन्ग कर दिया, ठीक। अब इफेक्ट ये तो ठीक है। अच्छा लोडेड, लोडेड का मतलब क्या होता है, लोडेड का मतलब हमारे ऊपर कोई चीज जब लादी गई हो, कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई चीज करवाई गई हो, है ना, एक तरह से बर्डन, हमारे ऊपर जो है जबरदस्ती कोई चीज करवाई जा रही हो, तो वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम लोडेड, हम ज्यादातर समय को जो है एक तरह से भार मान सकते हैं, बर्डन मान सकते हैं, नेगेटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस हो रहा है, कैंसल। बैनफुल, देखो बैनफुल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बैनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, क्या मीनिंग होता है, हार्मफुल, ठीक है ना, हार्मफुल हमारे लिए हानिकारक, क्या है ये हमारे लिए हानिकारक है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा सेंस दे रहा है हमको, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो देखो इस
ऑप्शन से यहाँ पर चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई है ना। यहाँ पर हम सी और ई में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में हमारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। देखो बैनफुल जो है, हम हमारे टाइम को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम को क्या कर सकते हैं, बेनफुल कर सकते हैं। अब बेनफुल मतलब नुकसान, हानिकारक, नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो ये नहीं होगा। सी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी भी हमारा रॉन्ग, ई भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, और सी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार पढ़ते हैं ऑप्शंस को रखकर। देखो, इफ वी यूज आवर टाइम प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली, वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल टू अस एंड सक्सीड, कि हमारे पास ज्यादातर समय जो है, अगर हम हमारे समय को इस्तेमाल करते हैं बहुत कारगर तरीके से, प्रोडक्टिवली, इफेक्टिव तरीके से, तो क्या होगा, ज्यादातर जो समय है वो हमारे पास उपलब्ध होगा और हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये इसका मीनिंग है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।